मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेजेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने की इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले तो हमने बहुत कम राशि केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आबादी का यानी 55% एक प्रकार से जो जनसंख्या है इस आबादी से इस योजना से लाभान्वित होगा ये भी चला रखी है। और इस योजना के अंतर्गत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा ये मुफ्त दी जाती है। साथ ही लगभग 500 दवाइयां ये भी मुफ्त दी जाती हैं ताकि गरीब को अपने शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने पर कोई पैसा खर्च न करना पड़े, ऐसी सब योजनाओं का लाभ आम आदमी को हो रहा है। ये तो तब होता है जब हम बीमार हुए और हम स्वस्थ यानी बनने के लिए, क्योंकि हमको स्वस्थ बनना है तो अपना इलाज कराना ये अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तो एक और प्रकार की बात भी हमेशा हरियाणा के समाज को सब कहता रहा हूं कि स्वस्थ रहना, एक तो स्वस्थ होना या बनना, एक स्वस्थ रहना, इसमें दोनों में अंतर है। स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में यदि हम बचपन से ही अपने स्वभाव को स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता है और हमारा हरियाणा का युवक, दुर्भाग्य की बात है कि कई इलाकों में व्यसन जो उसको नशे का होने लगा है ये भी कोई बहुत ही एक बुरी बात है जिससे उसका शरीर और स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसके लिए भी हमने अभियान चलाया है ड्रग फ्री हरियाणा, किस प्रकार से शराब मुक्त, नशा मुक्त ये हमारा हरियाणा इस प्रकार से हो, इस ओर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले दिनों में आपको मालूम अपने निजी काम के लिए कितना समय लगाता है। बीमार होता है तो उसकी समय की कटौती होती है, वो स्वयं भी परेशान होता है, परिवार भी परेशान होता है। तुम्हारे परिवार के लोग भी परेशान न हो, वो भी स्वस्थ भी रहें और वो एक प्रकार से चिंता मुक्त हो, तो हम सब मिलकर के पहला प्रयत्न हमारा होना चाहिए कि हम कैसे